सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड के पनियाडी गांव में स्थित ज्योतिषनाथ मंदिर तथा मारर मठ के मंदिर में खुलते ही कपाट, उम्र पड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जैसा कि कई महीनों से लॉकडाउन के चलते बंद थे मंदिरों के कपाट, लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार के आदेश आया तो सभी धार्मिक स्थानों को खोलने को कहा गया। तो इस ईश्वर में आस्था लगाए श्रद्धालुओं की उम्र भीड़ पड़ी। कपाट खोलते ही पूजा आरती जैसे तस्वीरों सामने आने लगी। इस मंदिर की खासियत यह है कि हर साल बसंत पंचमी के दिन कई जिलों के लाखों श्रद्धालु रात भर नाच गाने के साथ बाबा ज्योतिषनाथ को प्रसन्न करते हैं और सुबह होते ही स्नान करके पूजा पाठ करके अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। तो हम दिखा रहे हैं भगवानपुर के पनियाडी से ज्योतिषनाथ मंदिर एवं मारर मठ का रिपोर्ट। एटीन लाइव के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट। मैं मौजूद हूं मारर मठ के मठाधीश बाबा के पास। आखिर इस लॉकडाउन वन हटने में केंद्र सरकार के द्वारा आज 8 तारीख को धर्म स्थल खोलने की बात कही गई थी, तो हम सीधे बात करते हैं मठाधीश से कि आखिर वह इसके बारे में अपनी क्या राय देते हैं। तो बाबा आप बताइए कि आज लॉकडाउन एक हटा तो इसमें आप क्या कहेंगे? बहुत कुछ यही किए हैं कि भाई हमारे मुठिया पर मारा मत पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम चलता है जी, हर वक्त चलता है जी, और यहाँ के लिए 3 महीना बंद रहा मठिया। आज मुठिया छूने का समय है, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और यहाँ के पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ मठिया का प्रोग्राम जो है फिर मंगलवार चलता है और इसे ही चलता रहेगा। इस लॉकडाउन में हम अपना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं कि प्रोग्राम सब बंद करके और मठिया पर अपने आराम से बैठे जी। तो मैं बाबा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो श्रद्धालु पूजा करने के लिए मठाधीश में आ रहे हैं तो उन्हें आप कैसे पूजा करवा रहे हैं? उनको नाक पर वो अपना लगा लेते हैं, मास्क लगा के और आ करके पूजा अपना करते हैं। चलिए एक सवाल और बाबा आपसे पूछते हैं कि इस दौरान हमको सुनने को मिल रहा है कि घंटा बजाने पे रोक है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसके बारे में यही बात है कि यह घंटा नहीं बजता है और घंटा बजाना बंद है। बंद इसलिए है कि जब तक वो हाथ में दवा लगा करके उसके बाद ही घंटा बजाना है, नहीं तो घंटा नहीं बजेगा जी। इसका मतलब कि पूरा जो सरकार के द्वारा सैटेलाइट की व्यवस्था की गई है वो आप उसका पालन कर रहे हैं? हमारे यहाँ वही पालन होता है जी जी जी, जो सरकार का आदेश है वही पालन होता है। शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन सुन रहे थे कि आपके यहाँ भजन कीर्तन के साथ भगवान को मनाया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि मंगलवार और शनिवार को जो प्रोग्राम हमारा चलता है वो प्रोग्राम ऐसे चलता रहेगा। अभी तो बंद रहा लेकिन आज से कल से मैंने आज से चालू करना है, कहे कि कल को मंगलवार है, मंगलवार को अब चालू करेंगे। कहे कि आज आदेश मिला है वर्ष को खोलने का, तो इसलिए आप बहुत श्रद्धालु लोग जुट करके इसी का प्रोग्राम बनाया कि इसको चालू किया जाए जी। बाबा तो आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। श्री श्री 108 वशिष्ठ दास। एटीएन लाइव के साथ नितिन तिवारी की रिपोर्ट।